हेलो रिवन दोस्तों, तो आपके लिए देखिए दोस्तों, जेल मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत जेल प्रहरी की भर्ती आ चुकी है। तो दोस्तों मैं स्पीड से आपको बता देता हूँ, 27 यानी आज से दोस्तों 27 जुलाई 2020 से ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। कब तक भरेंगे? 10 अगस्त तक भरेंगे। और एग्ज़ाम कब होगा? 3 से 10 नवंबर 2020 तक होगा। आपका नॉर्मल, आप अनरिजर्व हो तो आपकी 500 रुपये फीस है, यदि आपका रिजर्वेशन है तो आपकी 250 रुपीज़ फीस हो जाएगी। मैं आपको स्पीड से बता देता हूँ, ठीक है। 3 से 10 नवंबर तक जो अपना एग्ज़ाम होगा वो 2 पारियों में होगा। पहली पारी है, इम्पोर्टेंट याद रखना, सुबह, और द्वितीय हो जाएगी, देखिए, द्वितीय पारी 2 बजे से 5 बजे तक और सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, 3-3 घंटे में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा है कि सर जो पोस्ट है वो कितनी आई है, तो पोस्ट मैं आपको बता दूं कि इस बार दोस्तों बहुत ही कम पोस्ट दी गई है। मध्य प्रदेश शासन ने जेल विभाग के अंतर्गत प्रहरी के लिए मात्र 282 पद दिए हैं अभी वर्तमान में। आप कुछ नहीं कह सकते कि इतने कम पदों में क्या होगा, कैसे होगा और कैसे विद्यार्थी तैयारी करेंगे। पर इसके आगे इन्होंने ये भी लिख दिया कि पदों की संख्या में आवश्यकता अनुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है, तो हो सकता है कि दोस्तों पोस्ट वगैरह बढ़ जाए, तो आप अपनी तैयारी तो जरूर रखिए, ठीक है। इसके अलावा पद नाम बता दिया दोस्तों, कार्यपालिक जो प्रहरी है ये हो जाएगा, और इनका आपको वेतन बता रखा है। इसके अलावा ये देखिए दोस्तों, अनारक्षित में आप देख सकते हो कुल पद कितने हो जाएंगे, यानी कैटेगरी वाइज बांट दिए हैं। और देखोगे आप, देखोगे तो ओपन के लिए दोस्तों ये बांट दिए गए, तो इस तरह दोस्तों हो जाएगा। महिलाओं के लिए ये हो जाएगा होमगार्ड, भूतपूर्व सैनिक, ओपन और महिला, सभी के लिए ये पद हो जाएगा। तो टोटल 282 पद दे दिए गए हैं। अब आपके मन में डाउट होगा, क्या सर अन्य राज्य के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा ये देख लीजिए, ये दोस्तों संविदा पदों के लिए अलग से 20% आरक्षण भी दे रखा है, तो ये भी आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। तो ये अब आगे देखिए, उसके बाद देखिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता आपसे बता रखा है कि 10वीं जो 10+2 प्रणाली है उसके अधीन कम से कम आपको हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है, ये याद रखना। पुरुष अभ्यर्थी के लिए मिनिमम हाइट होनी चाहिए दोस्तों, ये याद रखना, 165 सेंटीमीटर हो जाएगी, और सीना फुला के 83, मतलब बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, और महिलाओं की मिनिमम हाइट 158 सेंटीमीटर तो होनी ही चाहिए, ठीक है। दृष्टि दोष वगैरह नहीं होना चाहिए, चिकित्सीय दृष्टि से योग्य, मेडिकली फिट होना चाहिए, ये याद रखना, और दोनों आंखों की जो दृष्टि है वो सामान्य रूप से होनी चाहिए, ये याद रखना, ये आपको बता दिया गया। शारीरिक रूप से यदि आप अपंग हो तो इसके लिए नहीं चुने जाओगे, ये आप याद रखना। इसके अलावा देखिए और क्या है, ये आपको बता दिया आरक्षण किस तरह कितने परसेंट अलग अलग कैटेगरी में मिलेगा, ये याद रखना, और ये बता दिया। अब देखिए दोस्तों, अब आगे जाके मैं आपको बता देता हूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है, यही मैं आपको बता रहा हूँ, और जो इम्पोर्टेंट है नहीं है वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, अब आपके लिए ये इम्पोर्टेंट याद रखना, पुरुष आवेदक जो सामान्य अनारक्षित हैं 18 वर्ष उनकी न्यूनतम आयु हो जाएगी, ठीक है, और अधिकतम आप 33 वर्ष तक भर सकते हो, परंतु जो आरक्षित हैं उनके लिए 38 वर्ष जो है वो अधिकतम हो जाएगी। और ये आयु सीमा की गणना भर्ती के चालू वर्ष यानी 1 जनवरी 2020 को आप यदि 18 वर्ष के हो जाते हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा देखिए, स्थायी आवेदकों की आयु सीमा के संदर्भ में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि आप लोगों को मैंने नॉर्मली बता दिया है। आरक्षण से संबंधित स्पष्टीकरण ये भी आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखिए दोस्तों, परीक्षा की योजना जो है कैसे होगी ये देखिए, प्रथम चरण जो है लिखित परीक्षा होगा, इसमें दोस्तों ये देखिए वास्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की 100 प्रश्न होंगे, ठीक है, और 100 अंकों के होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 घंटे का होगा, 1 अंक का होगा, व 2 घंटे की अवधि का केवल 1 प्रश्न पत्र होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान के हाई स्कूल स्तर के प्रश्न होंगे। तो ये आपका एक तरह से सिलेबस समझ लीजिए, और प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए हैं उनसे भी आप एनालिसिस कीजिए कि आखिरकार कैसा क्या पेपर आ रहा है। प्रहरी हेतु लिखित परीक्षा की मेरिट सूची बन जाएगी, ये याद रखना, जितने भी जो हैं उनके 10 गुना अभ्यर्थियों के रोल नंबर क्रम में आ जाएंगे, फिर उसके बाद उनका क्या होगा, फिजिकल होगा, ठीक है, और शारीरिक माप, और ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें देखिए 800 मीटर आपको दौड़ना है नॉर्मल, आप प्रहरी के लिए होगा कितने मिनट में, 2 मिनट 50 सेकंड में, ये याद रखना। महिलाओं को 4 मिनट में दौड़ना है, और जो भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड है उन्हें 3 मिनट 15 सेकंड में 800 मीटर दौड़ना है। उसके बाद आपको गोला फेंकना है, ठीक है, देखिए पुरुषों को 20 फीट का गोला फेंकना है, 20 फीट तक गोला फेंकना है, गोला कितने किलो का होगा ये बता दिया, महिलाओं को 16 फीट तक फेंकना है, और भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड को 15 फीट के तक गोले को फेंकना है, ठीक है, ये याद रखना है। दौड़ में आप क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आगे की जो प्रक्रिया है उसमें क्वालिफाई नहीं होंगे, वहीं से बाहर हो जाओगे, ठीक है, और ये चयन सूची हो जाएगी, ये नियुक्ति हो जाएगी, ये पूरा बता दिया गया। पहले आप पेपर दीजिए, उसके बाद आपके लिए ये जानकारी
है और पूरा प्रशिक्षण वगैरह बता रहे हैं, ठीक है। और आपकी ये बता दिया गया दस्तावेज आपको काय काय की चाहिए, जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के रूप में, अभी यदि आपकी हाई स्कूल 10th या 12th की मार्कशीट है तो चल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों डिग्री या सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हो, और भी जो आपके पास है वो आप दिखा सकते हो। इसके अलावा यदि आपको यात्रा जैसे आप करते हो पेपर देते टाइम तो आपको वापस चाहिए तो आप आरक्षित श्रेणी के जो स्टूडेंट हैं वो ले सकते हैं यात्रा किराया वापस। इसके अलावा देखिए दोस्तों भोपाल परीक्षा संचालन के नियम और निर्देश दे रखे हैं जो कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, और आवेदन पत्र कह रहे हैं कि आप यदि अर्हा हो इसके लिए तो ही भरना, ठीक है। परीक्षा में आप क्या क्या ले जा सकते हो, वही अपना प्रवेश पत्र वगैरह, काला बॉल पेन और ये सारी फोटो वगैरह आपको ले जानी है। इसके बाद देखिए दोस्तों और सारी इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी नहीं है तो ये देखिए, ठीक है। तो इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। अब ये उसके लिए दे रखा है जो लिख नहीं पाते हैं, तो ये अपने से आप कम के स्टूडेंट को संग में ले जा सकते हो। प्रवेश पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया बता दिया कि पीबी की साइड में आप जाके कर सकते हो, जो कि इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब ये आपको जो एक तरह से क्या कहते हैं, ये होता है ना नॉर्मलाइजेशन, उसकी प्रक्रिया बता दी, जो भी आपको अभी कोई भी मतलब नहीं है, और नॉर्मलाइजेशन पद्धति आपको बता दी। उसके बाद देखिए दोस्तों आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, परीक्षा का परिणाम वगैरह, ये कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। उसके बाद देखिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, हो सकता है कि वैकेंसी बढ़ जाए, ये बता रहे हैं कि फॉर्म आपको कैसे भरना है, क्या भरना है। आप एक काम करना, फॉर्म भरने के लिए कृपया दोस्तों पीबी की साइड, मतलब एक तरह से ऑनलाइन आप फॉर्म घर पर मत भरना, क्योंकि घर पर भरने में इसमें समस्या आएगी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया फॉर्म कितना आप भर सकते हो, कैसे क्या कब क्या पेपर होगा, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सारी प्रक्रिया आपको बता दी गई, इन इन जगहों पे सेंटर आपका पड़ेगा। और अब आगे देख लीजिए कि सिलेबस क्या है। सिलेबस ये देखिए, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान, ये 100 अंकों का दोस्तों आपका एग्जाम होगा। 3 घंटे इन्होंने समय क्यों दे दिया, ये बिल्कुल हमारी समझ में भी नहीं आ रहा है, और आपको समझ में आ चुका है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, हो सकता है कि हमने ध्यान नहीं दे पाए हो, ठीक है। उत्तरों पर आपत्ति है तो वो अपन बाद में देखेंगे, जो भी आपत्ति वगैरह है ये आपको दिखाना होगा, मतलब ऑनलाइन वाला आपका जेल प्रहरी का फॉर्म भर देगा। तो ये तो दोस्तों हो गया जेल प्रहरी। अब सबसे बड़ी बात है कि तैयारी कैसे करें, तो ये देखिए इससे पहले तो ये वाला प्रश्न बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ की सीमा को छूने वाले मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या कितनी है। अब सबसे बड़ी बात है दोस्तों तैयारी भी तो होनी चाहिए लाइन से, और आपको कोई बहुत सारे डाउट भी होंगे, सर हम तैयारी कैसे करें, प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस कीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो, पीबी की साइट से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों एक मार्गदर्शक के रूप में टीचर भी होना चाहिए, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए एमपीजी के थ्रो मैप बाय प्रमोद राणा सर्च करके आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाके हमारे सारे वीडियोज देख सकते हो, ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा अब आपको बेस्ट तरीके से तैयारी करनी होगी तो मैं बताता हूँ, शाम को 6 बजे हमारी डेली फ्री क्लास होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। कहाँ पर, गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद आपको कैटेगरी याद रखनी है MPPSC एंड व्यापम, ये पूरा एक नाम है, तो एक नाम वहाँ पे सर्च कर लेना, आप उस कैटेगरी में जाना तभी मैं दिखूंगा। फिर आपको क्या करना है, प्रमोद राणा सर्च कर लेना है, ऊपर सर्च का ऑप्शन आएगा तो प्रमोद राणा सर्च करके फॉलो के बटन पे जरूर क्लिक कर लेना, ठीक है, फॉलो के बटन पे क्लिक कर लेना। फिर फॉलो पे क्लिक करोगे तो प्लस से फ्री कोर्सेस अबाउट, तो फ्री कोर्सेस पे क्लिक करना, ये सारे फ्री कोर्सेस है। फिर जब नीचे फीड पे जाओगे तो आपको 6 बजे डेली यहाँ पर क्लास देखने को मिल जाएगी। लाइव आना है, लाइव आप आओगे तो रिकॉल कर पाओगे। लाइव आने के और क्या फायदे हैं ये देखिए, जैसे कोई प्रश्न पूछा गया तो उसमें आपके प्रत्येक क्वेश्चन में आपकी रैंक दिखाई देगी ABCD की, कितने आपने सही किए, कितने बच्चों में आपने कितने सही किए, क्या आपकी रैंक है। तो तैयारी बिल्कुल मैं भी करवाऊंगा, 6 बजे होती है डेली क्लास, ठीक है। और मैं जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न है उनकी स्ट्रेटजी भी आपको बता दूंगा। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट होंगे जो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं कि सर सीक्वेंस में हमें एक कोर्स मिल जाए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो आपको कैसे जुड़ना है, 3 लाइनिंग पे क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक करना है, जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करोगे गेट सब्सक्रिप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, ये याद रखना। उसके बाद देखिए पहले मैं बताता हूँ ये प्लस है क्या चीज़, ये देखिए ये जो गोला है ना ये ऑनलाइन कोचिंग है। इसी ऑनलाइन कोचिंग में आपको जेल प्रहरी का एक बैच कोर्स दिखेगा, इसी में एमपी पुलिस का बैच कोर्स दिखेगा, इसी में दोस्तों एमपीपीएससी की तैयारी होगी, इसी में एमपीएसआई की तैयारी होगी। तो बहुत से स्टूडेंट होंगे जो एमपीपीएससी की भी कर रहे हैं, एमपी पुलिस की भी कर रहे हैं और जेल प्रहरी की भी। तो आपको देखिए 50+ टीचर, बेस्ट टीचर आप चुन सकते हो, एमपीपीएससी मेंस की 2020 2021 2019 की कर सकते हो। इसके अलावा व्यापम के जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी कर सकते हो, टेस्ट सीरीज भी आपकी होती है। तो अब ये देखिए इसके अंदर जुड़ने कितने महीने के लिए आपको जुड़ना है, ये एक तरह से कोचिंग है। इसके अलावा जेल प्रहरी का ये देखिए हमारा जेल प्रहरी का कोर्स आ रहा है, तो आप बैच कोर्सेज पे देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 29 जुलाई से शुरू हो रहा है, कब से, 29 जुलाई से। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा जैसे सर मैं 29 जुलाई के बाद ये वीडियो देखता हूँ
और मैं कोर्स को यदि ज्वाइन करता हूँ तो कैसे ज्वाइन कर पाऊँगा, क्या मैं रिकॉर्डेड क्लास देख पाऊँगा? हाँ, आप पूरी रिकॉर्डेड क्लास देख पाओगे, पूरी आपको PDF भी दोस्तों मिल जाएगी, जो कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं वो भी आप देख पाओगे। तो ये समझिए, ये जो बैच कोर्स है ना, ये इस गोले के अंदर एक छोटी सी चीज़ है, यानी आप इस गोले में प्रवेश करने की फीस दे रहे हो तो सारी सुविधाएं ले पाओगे। अब देखिए दोस्तों, फीस क्या है, अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, ये बैच कोर्स हो जाएंगे तो जैसे ही आप उस पर गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। अब देखिए, आप MP पुलिस की भी तैयारी कर रहे हो, वो भी आने वाली है, MPSI भी आने वाली है, तो आप देखिए 6 महीने का यदि सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको जैसे ही यहाँ पर रिफरल कोड मांगेगा तो आपको क्या डाल देना है, रिफरल कोड StudyHub7, ठीक है, StudyHub7, सीधे आपको 10% इससे छूट मिल जाएगी और आपका 6 महीने का सब्सक्रिप्शन बहुत सस्ता आ जाएगा, सीधा 10% छूट है। रिफरल कोड याद रखना StudyHub7, इसी से आपको 10% छूट मिलेगी, चाहे 1 साल का फिर आप लोगे तो जैसे MPPSC की तैयारी कर रहे हो तो 1 साल और 2 साल का ले सकते हो, ठीक है। रिफरल कोड डालते ही आपको ये देखिए छूट मिलके मिल जाएगा, पूरी तैयारी हो रही है। और अभी यदि आप ऑफलाइन कोचिंग कोई में भी गए तो बहुत ज़्यादा फीस आपकी हो जाएगी, फिर आप ये पेमेंट कर पाओगे, ठीक है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जिससे भी आप करना चाहते हो। तो सभी समझ गए, टॉप एजुकेटर टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें अपना आपको अपना रिफरल कोड भी दिख जाएगा जिससे 10% छूट मिलेगी, और आपको मोबाइल नंबर ये रहा, कोई भी आपको डाउट है, और टेलीग्राम लिंक पे आप ग्रुप पे जुड़ सकते हो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, ये जेल प्रहरी की रूल बुक है जो कि मैंने आपको सिलेबस बता दिया। अब आपको काम क्या है, अब आपको अपनी तैयारी पूरी करनी है। तैयारी में कौन कौन से विषय मजबूत करने हैं, ये वाले सारे जो विषय हैं इनको अभी से दोस्तों मजबूत करने लग जाइए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये एक न्यू अपडेट था, तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।